काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या सुषमा स्वराज यांचं कार्य हे प्रत्येकाला अभिमानास्पद आणि गौरवशाली असं आहे. प्रत्येकाच्या मनात आज त्यांच्या जाण्यानं एक पोकळी निर्माण केलेली आहे. आपण पाहतो आहे की जेव्हापासून त्यांच्या जाण्याची ही बातमी समोर आली तेव्हापासून प्रत्येकजण हळहळतो आहे, प्रत्येकजण शोक व्यक्त करतो आहे. आणि काल रात्री सुषमा स्वराज यांचं निधन झालेलं आहे. अत्यंत दुःखद अशी ही बातमी प्रत्येक भारतीयासाठी. माजी परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं, विधानसभा असेल लोकसभा असेल अशा दोन्ही सभागृहामध्ये त्यांनी काम पाहिलेलं आहे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या त्या होत्या. सुषमा स्वराज या काळाच्या पडद्याआड गेल्यात. जिस तरह एक औरत होने के बावजूद भी बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एक औरत और फर्स्ट ए वुमन जो अपोजिशन लीडर बनना वो सुषमा स्वराज की जाता. उनका जो स्पीचेस थे लोगों को इतना ये हुआ करता था कि तेलंगाना का जो मुद्दा था तेलंगाना राज हासिल करने के लिए लोग यहाँ तड़प रहे थे, लड़ रहे थे. सुषमा स्वराज जी अकेला पार्लियामेंट में तेलंगाना का मुद्दा उठाकर और बच्चों के भी ऐलान किया कि आप जिंदा रहना चाहिए, आने वाले तेलंगाना को देखना चाहिए, इसलिए कोई भी आप खुदकुशी करना वो नहीं है, नहीं है, ज़रूरत नहीं है. हम आपके साथ है, आपको तेलंगाना हासिल करके दिखेंगे. इस बीच में मैं दिल्ली जब गया तो उनसे बातचीत हुआ, एक घंटा लगातार बात करा. चुनाव में परसों नहीं लड़ सका और मैं जब पांडिचेरी का इंचार्ज था, नेशनल सेक्रेटरी था, तभी भी बहुत सारे चीज़ उनके साथ सीखना मुझे हुआ और बहुत ही सब. तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं.